सरकार का एक कदम निजीकरण की ओर। बिजली संसाधनों का खर्चा सरकार का और फायदा निजी कंपनियों का। समझिए बढ़ते निजीकरण का पूरा खेल। जी हाँ, बिजली के बिना मौजूदा वक्त की कल्पना नहीं की जा सकती। बिजली गई तो समझिए जिंदगी का चक्का रुक गया। मतलब क्या गरीब क्या अमीर, बिजली की जरूरत तो सबको है। इसलिए अगर बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया जा रहा है तो कानून में होने वाले इस बदलाव का असर अब सब पर पड़ेगा। खबर यह है कि इस मानसून सत्र में सरकार संसद में बिजली संशोधन कानून 2022 पेश करने जा रही है। इस पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह को चिट्ठी भेजकर यह मांग की है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के मसौदे पर सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना इस बिल को जल्दबाजी में संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाए। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि दूरगामी परिणाम वाले इस अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए वे प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे बिल पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय लिए बिना इसे जल्दबाजी में संसद से पारित न कराया जाए। बिजली कानून 2003 में अब तक कई बार संशोधन के बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। साल 2014, 18 और 20 और 2021 में कई बार बिजली संशोधन कानून पेश किए जा चुके हैं। साल 2020 में बिजली संशोधन कानून पेश किया गया तो हितधारकों से बातचीत करने के लिए 21 दिन दिए गए। साल 2021 में संशोधन बिल पेश किया गया तो हितधारकों से बात करने के लिए 14 दिन दिया गया। अब की बार जब संशोधन बिल पेश किया जा रहा है तो हितधारकों से बात करने के लिए एक भी दिन नहीं दिया गया। आपको लग सकता है कि जब साल 2014 से संशोधन बिल पेश किया जा रहा है तो बातचीत करने के लिए बहुत समय मिल गया, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर बार अलग अलग बिल अलग अलग प्रावधानों के साथ पेश किया गया। हर बार बिजली क्षेत्र में निजीकरण का विरोध हितधारकों की तरफ से हुआ और हर बार बिल में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं किया गया जिससे इसमें कुछ बदलाव आए। इस बिल के मसौदे पर विरोध के कई बिंदु हैं। सबसे पहला विरोध तो यही है कि इस बिल से जुड़ा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजन पेश नहीं किया गया है। मतलब इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि यह बिल किस मकसद से पेश किया जा रहा है, बिजली क्षेत्र में आखिरकार कमियां कहां हैं जिसकी वजह से यह बिल पेश किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता की कमी लगती है। ऐसा लगता है जैसे सरकार दबे पांव कुछ करना चाहती है। बिजली वितरण कंपनियों के तौर पर अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का तामझाम सरकारी कंपनियां संभालते आई हैं। सरकार कानून के जरिए यह बदलाव करने जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के तौर पर पूरे भारत में प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दे रही है। कह रही है कि ऐसा करने से उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेगा, उन्हें सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। जहाँ तक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति का चॉइस देने की बात है, यह पूरी तरीके से छलावा है। हकीकत में यह बिल उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनियों को चॉइस देगा। बिल में यह प्रावधान है कि सभी श्रेणी के यानी किसी भी तरह के उपभोक्ताओं, भले ही वे डोमेस्टिक, कमर्शियल, रूरल, अर्बन, फार्मर या किसी भी तरह के हों, उन्हें बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी। स्वाभाविक तौर पर प्राइवेट कंपनियां मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी। सरकारी वितरण कंपनियां किसानों और आम उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने के चलते और घाटे में चली जाएंगी। इस बिल के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां सरकारी डिस्कॉम का नेटवर्क प्रयोग करेंगी, जिसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कैपेसिटी बढ़ोतरी का बोझ भी सरकारी डिस्कॉम को ही उठाना पड़ेगा। इस नेटवर्क को बनाने के लिए सरकारी डिस्कॉम ने अरबों रुपए खर्च किए हैं। इसके मेंटेनेंस पर हजारों करोड़ रुपए सरकारी डिस्कॉम खर्च कर रहे हैं। मात्र व्हीलिंग चार्जेस लेकर इस नेटवर्क के इस्तेमाल की इजाजत प्राइवेट कंपनियों को देना सरासर नाइंसाफी है। यह पूरे इलेक्ट्रिसिटी के निजीकरण का मसौदा है जिसका बिजली कर्मी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग मुंबई में पहले से ही चल रहा है, जहां अडानी पावर और टाटा पावर एक ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करते हैं। टाटा पावर अडानी पावर का नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसके चलते कई प्रकार के कानूनी झगड़े खड़े हो गए हैं और उपभोक्ताओं को इससे कोई राहत नहीं मिली है। मुंबई में डोमेस्टिक कंज्यूमर को बिजली की दरें 12 से 14 रुपये प्रति यूनिट है, जो देश में सर्वाधिक है। अब यही प्रयोग सारे देश पर थोपना आम उपभोक्ताओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का प्रयोग करके जब निजी कंपनियां बिजली आपूर्ति करेंगे तो इसके लिए बनने वाले सॉफ्टवेयर पर अरबों रुपए का खर्च आएगा। ब्रिटेन में यह प्रयोग किया गया था, जहां ऐसे सॉफ्टवेयर पर 10 वर्ष पहले 850 बिलियन पाउंड का खर्च आया था और यह खर्च उपभोक्ताओं से उनके बिल में डालकर वसूल किया गया था। केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि भारत में यह प्रयोग होने पर अरबों रुपए का यह खर्च उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा।
निजी कंपनियां मुनाफा कमाएंगे तो इससे आम उपभोक्ताओं का क्या भला होगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब आयातित कोयले का बोझ डिस्कॉम पर डाल दिया गया है, जो अंततः उपभोक्ताओं से ही वसूल किया जाएगा। मौजूदा वक्त में पावर जनरेशन स्टेशनों से घर तक बिजली पहुंचाने की लागत पूरे भारत में औसतन तकरीबन 7.5 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि प्रति यूनिट वसूली 5.5 रुपये होती है। इस कमी को सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी के जरिए पूरा किया जाता है। क्रॉस सब्सिडी यानी अमीरों से ज़्यादा दर पर बिजली बेचकर गरीबों को कम दरों पर बिजली बेचने के नुकसान की भरपाई करना है। सरकार नए कानून के जरिए सब्सिडी के इस अवधारणा को खत्म करने जा रही है। उपभोक्ताओं को ही सारा भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बिजली पहले से ज़्यादा महंगी होने वाली है, जनता पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो यह बात है कि सरकार ने देश भर में बिजली पहुँचाने का ढांचा बना दिया है। तार से लेकर ट्रांसफार्मर तक का खर्चा सरकार उठाएगी, मगर बिजली का मीटर लगाकर पैसे कमाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी, वह भी वहां पर जहां से मुनाफा कमाना तय है। मतलब बिजली क्षेत्र का खर्चा सरकार का होगा और मुनाफा प्राइवेट कंपनियों का। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी इस पर क्या राय है ये भी हमें बताएं, और साथ ही हमारे चैनल अम्बेडकर नामा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए हमारा मनोबल बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।